हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल टू यू ऑल। और मैं विनयत्री स्वागत करता हूँ आप सब लोगों का हमारे इस इनिशिएटिव में, जिसमें आज हम बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। तो ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स हम बात कर चुके हैं, यानी कि द ऑर्गेनिजम्स विच हैव प्रिमिटिव न्यूक्लियस, उनके बारे में हमने ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बात कर ली है कि ट्रांसक्रिप्शन उनमें किस तरह से प्रोसेस होता है। आज हम बात करेंगे यूकैरियोट्स। देखिए, एज सच तो कोई डिफरेंस प्रोसेस के अंदर तो कोई डिफरेंस है नहीं। जैसा कि हमने वहाँ पर बात की थी कि पहले इनिशिएशन होता है, यानी कि जो प्रोमोटर रीजन होता है उस प्रोमोटर रीजन पर जो आरएनए पॉलीमरेज है वो बाइंड करता है, ठीक है। रिकग्निशन होता है, बाइंडिंग होती है, और बाइंडिंग के बाद फिर इलोंगेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, यानी कि एडिशन ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स स्टार्ट हो जाता है, और 5-2-3 एंड ही करता है, जस्ट लाइक डीएनए पॉलीमरेज ये भी, ठीक है। सो ये बात करने के बाद नेक्स्ट बात हमने बोली थी कि टर्मिनेशन रो फैक्टर जो है वो टर्मिनेशन सीक्वेंस आ जाता है वहाँ पर, और रो फैक्टर किस तरह से वहाँ पर हेल्प करता है। तो इनिशिएशन, देन इलोंगेशन, एंड देन द प्रोसेस ऑफ टर्मिनेशन। तो ये तीनों स्टेप्स होते हैं किसमें, ट्रांसक्रिप्शन में। सिमिलर प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा यूकैरियोट्स के केस में भी, बट यहाँ पर फ़र्क क्या है। एक तो सबसे पहली बात यहाँ क्या है कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चरल जीन्स है वो मोनोसिस्ट्रोनिक है, ये मैं आपको पहले से टर्म्स क्लियर कर चुका हूँ। यहाँ पर दूसरा जो फर्क है वो क्या है, यहाँ पर ये न्यूक्लियस के अंदर होता है, बिकॉज यूकैरियोट्स आर एडवांस्ड, है ना, ये एडवांस्ड है प्रोकैरियोट्स के कंपैरिजन। और दूसरा, इनके अंदर जो न्यूक्लियस है, सेल ऑर्गेनेल्स हैं, वो सभी मेम्ब्रेन बाउंड है, और सभी के सभी न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन्स सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट हैं। तो ये न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये बात हमने बात की थी इन चीज़ों के बारे में कि जो हमारा जो कोडिंग जीन जो होता है, ठीक है ना, उस जीन में दो तरह के सीक्वेंस देखने को मिलते हैं, एक एक्सोन जो कि कोडिंग रीजन है, और एक इंट्रोन जो कि नॉन कोडिंग रीजन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसकी प्रोसेसिंग होती है, किसकी, जो आरएनए बनता है उसकी, ठीक है। तो और एक जो फर्क है वो क्या है कि वहाँ पर तीनों तरह के आपके आरएनएज के लिए, यानी कि आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए, तीनों तरह के एमआरएनए के सिंथेसिस के लिए सिर्फ एक ही आरएनए पॉलीमरेज था, बट यहाँ पर तीन तरह के आरएनए पॉलीमरेज है फॉर दीज थ्री डिफरेंट काइंड ऑफ आरएनएज। तो सबसे पहली बात हम करते हैं आरएनए के बारे में। आरएनए पॉलीमरेज वन जो है वो ट्रांसक्राइब करेगा राइबोसोमल आरएनए, और राइबोसोमल आरएनए में भी 28S, 18S, 5.8S, यू मस्ट हैव रीड ऑल दीज थिंग्स इन क्लास 11, ठीक है। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन जो आरएनए पॉलीमरेज टू करता है वो करता है प्रीकर्सर एमआरएनए की, ठीक है ना। यहाँ पर हमने प्री एमआरएनए का टर्म यूज क्यों किया है, या फिर ये हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए या एचएनआरएनए का टर्म जो है वो यूज क्यों कर रहे हैं, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। आरएनए पॉलीमरेज 3 जो ट्रांसक्राइब करता है वो टीआरएनए की करता है, साथ में 5S आरआरएनए की करता है, और साथ में SNRNA यानी कि स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए की करता है। ये अलग अलग तरह के आरएनएज होते हैं जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल आपको ध्यान रखना है आरआरएनए, एमआरएनए एंड टीआरएनए। ओके, प्रोसेस एकदम सेम है, वही आरएनए पॉलीमरेज जो है वो बाइंड करेगा प्रोमोटर रीजन से, ठीक है, और उसके बाद इलोंगेशन हो जाएगा, यानी कि ये जो राइबोन्यूक्लियोटाइड की चेन है ये बन जाएगी, एंड टर्मिनेशन में टर्मिनल सीक्वेंस के वहाँ पर रो फैक्टर हेल्प करेगा। ओके, अब जो यहाँ पर जो आरएनए बना है यूकैरियोट्स के केस में, ठीक है, ये जो आरएनए मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है, येलो कलर की जो स्ट्रिप है, ये आरएनए कुछ इस तरह का है। इसमें दो तरह के रीजन है, एक्सोन्स जो कि कोडिंग रीजन है, इंट्रोन्स जो कि नॉन कोडिंग रीजन्स हैं। तो अब यहाँ पर क्या होता है, देखिए, सबसे पहले हम इस प्रोसेस को बोलेंगे जो है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन, ठीक है, लेकिन इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आप यहाँ समझिए एक चीज़, देखिए, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एक चीज़ आपको यहाँ पर वो चीज़ समझने, देखिए, यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि जैसा मैंने आपको बोला था कि मोनोसिस्ट्रोनिक है, तो मोनोसिस्ट्रोनिक का मतलब क्या है कि यहाँ पर एक ही प्रोमोटर होगा, ठीक है ना, एक ही प्रोमोटर होगा, उस प्रोमोटर से एक ही एमआरएनए बनेगा, और उस एमआरएनए में वो एमआरएनए एक ही पॉलीपेप्टाइड बनाएगा, ठीक है ना, एक ही पॉलीपेप्टाइड बनाएगा, ठीक है। यानी कि एज अ होल अगर मैं बात करूँ तो ये जो हमारा आरएनए बना है, ये जो आरएनए हमारा बना है, इसको ही हम क्या बोल रहे हैं, हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए भी बोल रहे हैं, हेट्रोन्यूक्लियर, क्योंकि इसके अंदर, इसके पास दो अलग अलग रीजन्स हैं, एक्सोन्स एंड इंट्रोन्स। इसी को हम प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट भी बोलेंगे, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट भी बोलेंगे, और इसी आरएनए को ही हम प्री एमआरएनए भी बोलेंगे। प्री एमआरएनए का मतलब क्या, प्रीकर्सर एमआरएनए, प्रीकर्सर एमआरएनए का प्रीकर्सर। अभी एमआरएनए बना नहीं है, अभी एमआरएनए एक्चुअल में बना नहीं है, अभी क्या बना है, प्री एमआरएनए, प्रीकर्सर एमआरएनए बना है, ठीक है।
अब ये जो प्रिकर्सर एमआरएनए है, जिसको हम एचएनआरएनए भी बोल रहे हैं या फिर प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट भी बोल रहे हैं, इसका क्या होगा, इसकी प्रोसेसिंग होगी, यानी कि इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस होंगी और उन मॉडिफिकेशंस के प्रोसेसेस को हम एज अ होल क्या बोलते हैं, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन का समझ में आ गया होगा, यूकैरियोट्स में सेम है सब कुछ, बस क्या फर्क है कि एक तो न्यूक्लियस में होता है, फिर उसकी एमआरएनए जो बनता है वो प्री एमआरएनए बनता है, एक्चुअल में प्री एमआरएनए की प्रोसेसिंग होती है इस ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के बाद। और यहाँ पर तीन तरह के अलग अलग आरएनए पॉलीमरेज है फॉर दिस थ्री टाइप्स ऑफ डिफरेंट आरएनए। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं और सिमिलैरिटी यही है कि जो प्रोसेस है वो सिमिलर है। ठीक है, फिर प्री एमआरएनए यानी कि प्रिकर्सर एमआरएनए क्या, एचएनआरएनए क्या, और प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट यानी कि यूकैरियोट्स में जो आरएनए बन रहा है ना, एक्चुअल में ये जो एमआरएनए एक्चुअल में, जिसको हम एमआरएनए बोल रहे हैं, वो एक्चुअल में प्री एमआरएनए है या एचएनआरएनए है या फिर उसको हम प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर समझनी है। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम बात करेंगे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन के बारे में। सो टिल देन, थैंक यू वेरी मच।